फिरोजाबाद के जिले के सिकोहाबाद के सीओ ऑफिस के चंदपुरी डकैती पुलिस प्रशासन में करते दल आए हैं। आधा दर्जन बदमाशों को देर रात से घुसकर परिजनों को बंधक बना लिया गया है। जमकर मारपीट भी किए गए, साथ में घरों में लाखों रुपए का जेवरात पकड़ा गया है। नकदी जेवरात के कारण सीओ ऑफिस में पास खड़ी गश्त कानों के कान खबर मिली नहीं। ऑफिस में सुबह ही घायल एक आवाज पड़ोसी ने लगाई है। पुलिस की घटना जानकारी दे दी गई है। आई पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस को नाका नीचे की इस वारदात को पुलिस अधिकारी चोरों की घटना आ चुकी है। जांच की कार्रवाई कर ली गई है। कहा गया है कि लिपो पोती लगा चुकी है। पुलिस भी ऐसा कोई कर नहीं रही है। घायलों को हॉस्पिटल में लगाया गया है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक घंटा से पीड़ित तड़फ रही है। काफी समय के बाद इलाज मिला है। इलाज के नाम पर ही जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए ब्रजेश राठौर जी की रिपोर्ट। मेरा नाम कमलेश। कमलेश, क्या घटना हुई है यहाँ पर? अकेली रहती थी, विधवा औरत थी। लड़का गाड़ी से आया था जी। उस पे पैसे जो लाया वो उसकी चीज बती, मेहनत मजूरी करती है, आदमी उसका है नहीं। रात में पता नहीं कितने टाइम आए, काफी चोटें भी आई हैं दोनों। फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिए। कितने बदमाश थे, कोई जानकारी हुई है? जानकारी ये बताते हैं कि 7-8 लोग थे। टाइम तक रहे हैं घर में, काफी टाइम तक किसी ने नहीं देख पाया कि कौन है, कहाँ से आए। यस, जो पिछले चंद कदम दूरी पर एक कुछ घर में बदमाश ने उसके वारदात को अंजाम दिया, क्या मामला है? हाँ, उस घटना का अभी पंजीकृत किया जा रहा है और उसमें बहुत शीघ्र वर्कआउट करेंगे। और चूँकि वो रात की घटना है, चोरी की घटना है, लेकिन हम लोग उसको शीघ्र वर्कआउट करेंगे। रजनी, क्या घटना हुई है तुम्हारे साथ? आज पीट करी है और सारा लड़का लेके आए थे ड्राइवर से और कंडक्टरी करते थे। 60,000 रुपये लेंटर के लिए सो उठा ले गए, बेड के नीचे रखे थे और दो अंगूठी थी, दो सोने की दर थी, चौकी थी, पायल थी, कंदनी थी, लड़कों की शादी के लिए वो ले गए, सारा सामान ले गए। कितने लोग थे? महेश्वरी पुराण सुबह ये।